देखिए भाई, प्रभास सर के सलार और शाहरुख खान के जवान से एक अपडेट सामने आ गई है, वो अभी सेम टॉपिक से ही। तो आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। तो जैसे कि आप जानते होंगे, इस महीने सलार का टीजर आ चुका है, लेकिन अब जल्द ही सलार का सॉन्ग भी आने वाला है, वो भी हर एक लैंग्वेज में। असल में भाई, कल ही प्रशांत नील और म्यूजिक डायरेक्टर रवि बासुर सलार का एक गाना का काम खत्म कर लिए हैं, और अब जल्द ही कुछ दिनों में अनाउंसमेंट भी करेंगे वो सॉन्ग का रिलीज डेट। अब चलिए जवान पर भी आ जाते हैं। कल शाहरुख खान सबसे पहले अपने जवान से ये गजनी का लुक वाला पोस्टर भेजे हैं, फिर उसके बाद वो क्यूएनए भी किए और उसी में वो बोल दिए हैं, जी हाँ, हम जल्दी जवान का पहला सॉन्ग को रिलीज करने वाले हैं, जिसका एडिटिंग काम अभी एटली कुमार करने में लगे हुए हैं स्टूडियो में। शायद इनका सॉन्ग सलार के सॉन्ग से पहले आ जाए, क्योंकि इनकी जवान फिल्म सलार से 21 दिन पहले रिलीज हो रही है सिनेमा में। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, सलार और जवान में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कमाएगा बॉक्स ऑफिस पर? देखिए भाई, मेरे हिसाब से अगर दोनों ही फिल्में एकदम तबाही लेवल की बनी हो और ऑडियंस रिव्यू भी अच्छा आए, तो तभी सलार का कलेक्शन जवान से थोड़ा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान पहली बार इस लेवल तक पैन इंडिया जा रहे हैं। इनका मेन पावर अभी भी हिंदी ऑडियंस ही है, और उसके अलावा साउथ ऑडियंस जल्दी हिंदी फिल्में देखते नहीं है। लेकिन इस बार अपने सार के एक्सपेरिमेंट किए हैं साउथ डायरेक्टर और साउथ कास्टिंग करके जवान में। सो बस सभी उम्मीद कर सकते हैं जवान हिंदी फिल्म को साउथ ऑडियंस भी देखे। लेकिन वही प्रभास सर का केस अलग है, ये महाशय हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कई बार तोड़ फोड़ मचा चुके हैं। चाहे बाहुबली या साहो या आदि पुरुष, हिंदी जनता हमेशा आराम से 100-200 करोड़ कलेक्शन करवा देती है इनकी फिल्मों की, और उसके बाद तेलुगु तो इनका होम ग्राउंड है, वहाँ तो इनको कोई नहीं हरा सकता है। और प्रभास सर की फिल्म में कन्नड़ा, तमिल और मलयालम ऑडियंस भी देखती है, यानी कि सीधी बात, प्रभास पैन इंडिया के पुराने खिलाड़ी हैं। कई बार ये अपने स्टारडम प्रूव कर चुके हैं पैन इंडिया लेवल पर, बट अभी शाहरुख खान पहली बार पैन इंडिया जा रहे हैं, सो इनका एकदम कलेक्शन प्रभास की फिल्मों जैसी बाकी स्टेट में नहीं होगा। बट हाँ, शाहरुख खान हिंदी के अलावा वर्ल्ड वाइड मार्केट के किंग भी हैं, वहाँ इनको प्रभास भी नहीं हरा सकते हैं। अपने पठान के एग्जाम्पल देख ही लिया होगा, 500 करोड़ कमाई हुई थी पठान की ओवरसीज मार्केट से। मतलब भाई, बॉक्स ऑफिस पर पठान और सलार के बीच 19-20 की लड़ाई चलने वाली है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कलेक्शन के मामले में। वैसे आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, पठान और सलार में से किसका ज्यादा कलेक्शन होगा बॉक्स ऑफिस पर? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताना, और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।